अन्य वर्ग की महिला प्रतिनिधियों को गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें विशेष मानदेय 100 की जगह 150 रुपए मिलेंगे। यात्रा भत्ता में भी संशोधन किया गया है, सभी को अब 5 रुपए प्रति किलोमीटर की जगह 10 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, यानी जो कैबिनेट का फैसला या जो हुआ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसमें चेंजेस देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा जो सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिली, जो मुआवजा राशि है उसको भी बढ़ाया गया। ठीक है, यात्रा जो है भत्ता जो है यात्रा उसको भी बढ़ाया गया, तो काफ़ी सारा चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिला। एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सिपाही अब सीधे नहीं बन सकेंगे दरोगा। ठीक है, इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं, अब इसकी जो प्रोसेस है जो वो अलग हो गया है, वो क्या है इसको भी हम लोग एक झलक देख लेते हैं ताकि हर चीज़ अपडेट रहे। ठीक है, तो कैबिनेट का जो है वो फैसला आ चुका है, इसमें क्या हुआ कि कई नियमावली में फेरबदल संशोधन, पुलिस अफसरों में हर्ष। ठीक है, पुलिस अफसरों में खुशी की बात, खुशी थोड़ी है जो फैसला है उस पर, अब सिपाही सीधे नहीं बन सकेंगे दरोगा। क्या है कि राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2016 को समाप्त कर दिया है। ठीक है, यह फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। यानी पहले क्या होता था कि झारखंड पुलिस में सीमित विभागीय मतलब इंटरनल एग्जाम होता था, यानी जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं वो लोग इंटरनली एग्जाम देते थे और उसमें जो लोग पास होते थे वो सीधा प्रमोट हो जाते थे। तो ये 2016 को ये समाप्त कर दिया गया है और इसका जो फैसला है वो बुधवार जो कैबिनेट के बैठक में जो फैसला है उसमें लिया गया और इस नियमावली के तहत सीधी या सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा पास कर कोई सिपाही सीधे दरोगा के पद पर प्रोन्नत हो जाता था। सीधे इंटरनल एग्जाम देता था और जो दरोगा होता था वो जो सिपाही होता था वो सीधे दरोगा बन जाता था और ये अब चेंज हो चुका है, ये अब खत्म हो चुका है। निर्णय से 1250 जमादार से दरोगा तथा उतनी ही संख्या में सिपाही से जमादार में प्रोन्नत होंगे। मालूम हो कि पिछले 6-7 साल से झारखंड पुलिस एसोसिएशन इस नियमावली को समाप्त करने के लिए प्रयासरत था। कैबिनेट के फैसले के बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, ठीक है, को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया कि यह बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को मुख्यमंत्री से मिलकर आभार व्यक्त करेगा। ठीक है, उत्पाद सेवा संवर्ग में हुए संशोधन, जो उत्पाद सेवा संवर्ग उसमें भी संशोधन हुआ कि मंत्री परिषद ने झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग भर्ती एवं शर्ते नियमावली 2013 में संशोधन किया। पहले जहां अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक या समकक्ष पास होना था, इस अनिवार्यता के अलावा अभ्यर्थियों को मैट्रिक, दसवीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से पास होना अनिवार्य था। अब संशोधन करते हुए सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों न्यूनतम योग्यता स्नातक या समकक्ष योग्यता होगी। ठीक है, अब स्नातक कम से कम होना चाहिए। ठीक है जी, इस नियमावली में हुआ संशोधन, किस किस में संशोधन हुआ कि झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षण नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन किया गया। विशेष शाखा अंतर्गत आरक्षी पदों पर नियुक्ति के लिए मतलब क्लोज कैडर, ठीक है, अंतर्गत आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन हुआ। राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली 2023 का गठन किया गया। झारखंड श्रम सेवा तकनीकी संवर्ग भर्ती प्रोन्नति अन्य सेवा एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2022 में संशोधन हुआ। झारखंड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग में नियमावली 2021 में संशोधन। विशेष शाखा के आरक्षी के पदों पर नियुक्ति में संशोधन। झारखंड अभियंत्रण सेवा के अधीन लिपिट टंकक अन्य टंकक सेवा के नियमावली 2015 में संशोधन। झारखंड के प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य संशोधन नियमावली 2023 गठन को स्वीकृति। पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली 2018 में संशोधन। राज्य सरकार की संचार व संरचना नीति 2015 में आंशिक संशोधन।
अभियंत्रण बहुत प्राविधिक सेवा संवर्ग ग्रुप ख और ग के अधीन राजपत्रित पद लिपिट सह टंकक अन्य लिपिकीय सेवा नियमावली 2015 में संशोधन की स्वीकृति। ठीक है, ये सारे चीजों में संशोधन किया गया। अन्य महत्वपूर्ण कुछ फैसले भी लिए गए, जैसे महालेखाकार का राज्य वित्त लेखा प्रतिवेदन को विधानसभा के पलट पर उपस्थापन का अनुमोदन, ट्रायल कोर्ट के लिए 75 स्थायी पदों का सृजन, बागोदर सरिया अनुमंडल न्यायालय गठन की स्वीकृति, नगड़ी में 1.57 एकड़ पर बनेगा बैंक ऑफ इंडिया का प्रशासनिक भवन, 11.23 करोड़ में जमीन दी जाएगी, सीवी रमन ग्लोब वीवी विधेयक 2023 के अनुमोदन को स्वीकृति, स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के स्थायी सचिवालय की स्थापना को 2 सहायक व 2 राजपत्रित पद स्वीकृत, राज्य पुलिस अवर निरीक्षक समिति विभागीय प्रतीक्षा निरस्त, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में संचालित होने वाली पीएम श्री योजना को स्वीकृति, अध्यक्ष राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण को राज्य व जिला आयोग में पदस्थापित पदाधिकारियों और कर्मचारियों का अनुशासनिक प्राधिकार घोषित किया गया, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में झारखंड सचिवालय सेवा व के प्रशाख व सहायक प्रशाख पदाधिकारी के पदों का सृजन होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न की ढुलाई और परिवहन की योजना को स्वीकृति होगी। तो कई सारे संशोधन किए गए और कुछ इम्पोर्टेंट फैसले भी, नए सारे फैसले भी लिए गए, और ये बहुत अच्छा हो गया कि जिसे पुलिस भी खुश है और वो मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री है उसको जाकर धन्यवाद भी करने वाली है कि सिपाही का जो मतलब इंटरनल एग्जाम होता था उससे सीधे वो दरोगा में प्रमोट कर दिए जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा, वो उसको ख़त्म कर दिया गया है, अब सीधी नियुक्ति मतलब इंटरनल एग्जाम के तहत नहीं होगी, आपको उसके लिए प्रॉपर जो एग्ज़ाम होता है जो नॉर्मल सारे कैंडिडेट्स देते हैं वैसे ही उसी तरह से प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा ही होगा। ठीक है, या फिर समयानुसार प्रमोशन होते होते आप वहाँ तक पहुँचेंगे, सीधा एग्जाम देकर आप वहाँ तक बैठ नहीं सकते। ठीक है, इस तरह से इंटरनल एग्जाम का था। तो इस मतलब ये तो एक है, इसके साथ साथ कई सारे संशोधन हुए, कई सारे फैसले हुए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये सारे चीज़ें जो है कैबिनेट का फैसला भी आया। तो आई होप आज का वीडियो बहुत अच्छा और लगा होगा आपको, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि कैबिनेट से रिलेटेड जो फैसले हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था आज का न्यूज़, सारी चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस कर दी है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह के एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के साथ, और एक नया सीरीज़ भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं झारखंड के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा एक न्यूज़ एनालिसिस करूँगा मैं झारखंड का न्यूज़ का, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आने वाले समय में आप वो देखेंगे सीरीज़, और वो डेली बेसिस पे होगी ताकि आप एक झलक में सारे न्यूज़ आपको एक जगह मिल जाए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इस तरह से जो सेशन होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, उसको तो मैं अलग से डिस्कस करूँगा ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अपना और अपने पढ़ाई का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपने आप को पूरी तरीके से करंट से और सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ से अपडेट रख रहे होंगे। आज का न्यूज़ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ये। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू कर देते हैं। तो अब जिप अध्यक्ष को 12,000 व मुखिया को मिलेंगे 2,500 रुपये। ठीक है, तो क्या है पूरा न्यूज़ देख लेते हैं। और ये कैबिनेट का फैसला अब आ चुका है और इस कैबिनेट के फैसले के अनुसार जो है ये सारे चीज़ें जो है वो वहाँ पे अपडेट हुई हैं। तो राज्य मंत्री परिषद ने बुधवार को 5 पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों एवं पदधारकों के
मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, ठीक है, यानी कि वेतन में अब जो है उनके जो सैलरी है वो अब बढ़ाने का उसमें फैसला किया है। और इसके साथ ही जंगली जानवरों द्वारा जान माल को नुकसान पहुंचाने पर मिलने वाली जो मुआवजा राशि में भी वृद्धि की है। जल सहयाओं को एक टैबलेट के साथ अब 2 साड़ियां भी हर साल दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए SOP तैयार किया गया है। इसके तहत 5 वर्षों की कार्य योजना तैयार होगी। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति भी दी गई, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं एक बार ओवरऑल कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर, ठीक है। जिला परिषद उपाध्यक्ष को 7,500 की जगह अब मिलेंगे 10,000, पहले 7,500 मिलते थे, अब 10,000 मिलेंगे, और टोटल जो है वो 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर, ठीक है। पंचायत समिति के प्रमुख का मानदेय 5,000 की जगह 8,000 रुपये हो गया है, ठीक है। साथ ही उप प्रमुख का भत्ता 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये किया गया। जल सहयाओं को एक टैबलेट के साथ अब 2 साड़ियां मिलेंगी हर साल, ठीक है। बड़ी मुआवजा की राशि भी जो है वो बढ़ा दी गई है। मंत्री परिषद ने राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान को क्षति पहुंचाए जाने पर मिलने वाले मुआवजा की राशि में वृद्धि की है। यानी कई बार क्या होता है कि जंगली जानवर जो है, जैसे कि कभी कभी हाथी जो है वो घर गांवों के मकानों पर हमला कर देता है, उसे तोड़ फोड़ कर देता है, कई बार फसलों को नष्ट कर देता है कई सारे जानवर, ठीक है। पालतू जानवर से भी कई बार उसको भी हानि पहुंचा देता है, घर में पालतू जानवर उसको भी जो जंगली जानवर होते हैं वो क्षति पहुंचा देते हैं, तो इससे जो है वो नुकसान होता है गाँव वालों का, तो इसके लिए भी मुआवजा मिलता है, तो इसमें मुआवजा को भी बढ़ा दिया गया, मुआवजे की राशि जो है उसको भी बढ़ा दी गई है। इस तरह की घटनाओं में मनुष्य की मृत्यु होने पर पहले की तरह 4,00,000 रुपये ही मिलेंगे, वहीं मनुष्य के गंभीर रूप से घायल होने पर 1,00,000 की जगह 1,50,000, हल्का घायल होने पर 15,000 की जगह 25,000 रुपये, स्थायी रूप से अपंग होने पर 2,00,000 की जगह 3,25,000 रुपये दिए जाएंगे। मकान को क्षति होने पर पहले 1,00,000 रुपये मिलते थे, उसे बढ़ाकर 1,20,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। एक और न्यूज है इसके साथ, काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग को देख लेना है कि सिपाही अब सीधे नहीं बन सकेंगे दरोगा। पहले क्या था कि सिपाही जो लोग होते थे ना वो लोग सीधे जो है एग्जाम देकर वो सीधे दरोगा बन जाते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, इसमें भी काफी सारा चेंजेस हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। तो नियुक्ति नियमावली में संशोधन भी किया गया। मंत्री परिषद ने कई नियुक्तियां नियमावलियों में संशोधन किया है। कुल 39 प्रस्तावों पर सहित मतलब मुहर सहित बनी। लंबे समय से पंचायत जन प्रतिनिधियों की मांग थी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, जिस पर मंत्री परिषद की मुहर लग गई है। अब जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000, प्रमुख को 8,000 और मुखिया को 2,500 रुपये हर माह मिलेंगे। इसके दैनिक भत्तों की दर भी बढ़ाकर हर पद के लिए 150 रुपये से 250 रुपये कर दी गई है। ST SC अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी